हेलो गाइस, किसने वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपना यूट्यूब चैनल पर आप कौन कौन से गलती है आपको नहीं करना है, जिस गलती के कारण आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो आपको कौन कौन से गलतियाँ आपको अपने चैनल पर नहीं करनी है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप मैंने कोई भी हमारा वीडियो अगर देखते होंगे तो स्किप कर लेते हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कृपया आप स्किप करने दिखिएगा और ध्यान से सिर्फ लास्ट देखिएगा, ताकि इस वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए यूजफुल एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो में आपका पूरा ट्यूटोरियल आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे आपको कौन से गलती नहीं करनी है, जिस गलती के कारण आपका चैनल मोनेटाइज ही नहीं हो। आप क्या होता है, अगर आपने रेगुलर वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हो, काफ़ी हार्डवर्क करते हो, मेहनत करते हो, अगर आप किसी भी तरीके से 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे को वॉच टाइम कंप्लीट कर लेते हो, जब अप्लाई का ऑप्शन आता है मोनेटाइजेशन के लिए, जब आप अपने चैनल के लिए अप्लाई करते हो तो था वहाँ पर आपको मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाता है और आपका यूज कॉन्टेक्ट वहाँ पर लिखा हुआ होता है, तो आपको कैसा लगेगा। इसलिए उसे आप कैसे बच सकते हो, आपको अपने चैनल पर कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, आज की इस वीडियो में ट्यूटोरियल पूरा आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं एक प्रूफ दिखाना चाहूँगा, आपको स्क्रीन पर एक चैनल का आपको मतलब स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा नेम आइडियट अमित, आपको मैंने स्क्रीन शॉट दिखाई दे रहा होगा। इन पर देख सकते हैं एक ही वीडियो है, लेकिन जब इनका सब्सक्राइबर कितना है, आपको जब इनका अप्लाई का जब ऑप्शन आया था तो इन्होंने मुझे स्क्रीन शॉट सेंड किए थे, आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर 3000 कुछ सब्सक्राइबर और 4500 कुछ मतलब हवा से मतलब दोनों कंप्लीट है। जब इन्होंने जब अप्लाई किया तो यहाँ पर 2-3 दिन के बाद आपको सामने स्क्रीन शॉट पर चीज आपको दिखाई दे रहा होगा कि रिड्यूस कंटेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप बताऊंगा कि इनका चैनल जो है रिजेक्ट हो गया है और इन्होंने क्या किया अपने चैनल पर जिस कारण इनका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ मैं अभी बताना चाहूँगा, इन्होंने क्या किया था कि अपना कंटेंट अपने यूट्यूब वीडियो पर अपलोड नहीं किए थे। इन्होंने क्या किए थे, कोई भी सॉन्ग वोंग गाना ऑर्केस्ट्रा का वीडियो मैंने कोई भी कुछ तरह का वीडियो जो होता है दूसरे कंटेंट का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किए थे और काफ़ी अच्छा उनका मैंने रिस्पॉन्स था, अच्छा व्यूज ऊपर ज़्यादा था। तो जब इन्होंने अप्लाई किया तो आपको सामने स्क्रीन शॉट में दिखाया था कि व्यूज कंटेंट आ गया है, तो इन्होंने मुझसे बात की, तो इन्होंने मैं इन्हें बताया, तो इन्होंने क्या किया कि जितना भी वीडियो था सब वीडियो को इन्होंने डिलीट कर दिया और अपना खुद का कंटेंट एक वीडियो भी इन्होंने अपलोड किए हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है। सबसे पहले आपको मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप यूट्यूब पर वीडियो बनाना चाहते हो, हार्डवर्क करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपना खुद का वीडियो आपको बनाना चाहूँगा, खुद का अपना कंटेंट आप वीडियो बनाओ। अगर आप दूसरे किसी का कंटेंट वीडियो अगर बनाओगे तो उसका आपको मोनेटाइजेशन कभी नहीं होगा। सबसे पहले अपना खुद का फेस वाला वीडियो बनाओ या स्क्रीन रिकॉर्डर वाला भी वीडियो बना सकते हो, लेकिन आपका खुद का कंटेंट उसमें चाहिए। अगर आपका खुद का कंटेंट वीडियो रहता है तो आपका चैनल 100% आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको गलती आप कभी भी नहीं करनी है। और आप कोई भी मतलब सॉन्ग वोंग जितना गाना वाना होता है आप उसको अपलोड नहीं कर अपना नहीं कीजिएगा, अपना खुद का कंटेंट अपलोड कीजिएगा। कोई भी कैटेगरी का मोटिवेशनल ट्रीटमेंट जो भी आपका रुचि है बनाना चाहेंगे आप मैंने जो भी आपका वीडियो बनाना चाहूँगा तो आप अपना खुद का वीडियो उसमें अपलोड कीजिए। जब आपका खुद का जो उसमें वीडियो रहेगा तो आपको मोनेटाइजेशन में अगर आप मेहनत करके अगर किसी भी तरीके से 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे को टाइम कंप्लीट कर लेते हो तो आपका जब खुद का कंटेंट वीडियो उस पर आएगा तो आपका मोनेटाइजेशन कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। रिच कंटेंट इसलिए आता है जो अगर आप दूसरे कंटेंट का वीडियो अपने वीडियो अपलोड करते हो, गाना हो गया ऑर्केस्ट्रा वीडियो मतलब कोई भी इधर उधर का वीडियो उठा लो अपने चैनल पर अपलोड कर दो, ये चीज़ हो गया रिच कंटेंट। रिच कंटेंट का इन मैंने इन भाई साहब का जो है चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया है, इसलिए इन्होंने अपना वीडियो मतलब डिलीट करना पड़ा। इसलिए आप अपना यूट्यूब वीडियो पर अपना खुद का वीडियो अपलोड कीजिएगा।
यही कुछ आपको इस वीडियो में बताना था। सो आई होप आप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, एक वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा। एंड इतना इम्पोर्टेंट वीडियो था, इतना अच्छा आपको नॉलेज इस वीडियो से मिला है, इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो चलिए चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में तब जय हिंद। Peace.